नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने। और हमारे हिस्ट्री की ये वीडियो काफी गैप हो गया, लेकिन अब तेजी के साथ मैं हिस्ट्री को लेकर आगे चलने की कोशिश करता हूं। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम असली रहते टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने कांग्रेस की स्थापना देखी थी, ठीक है। अभी क्या है, इसके बाद जो कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में राष्ट्रवाद एक प्रकार से उदय हो चुका था, भारत में नेशनलिज्म एक प्रकार से डेवलप हो रहा था। खासतौर से ये पढ़े लिखे का जो समुदाय था उसमें नेशनलिज्म की हल्की सी झलक थी, जिसने कि उनको संगठित करना शुरू किया। और इसके बाद से ही हम भारत की स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते हैं एक प्रकार से अगर देखा जाए। और कांग्रेस की स्थापना एक माइलस्टोन है, वहां से हम स्वतंत्रता संग्राम अगर शुरू करेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी आपको। अब इसमें देखिए, भारत के स्वाधीनता संघर्ष के चरण, भारत की जो आजादी की लड़ाई थी ना, वो कुछ चरणों में हुई। उसको अगर हम पूरी लड़ाई को देखें तो अलग अलग फेजेस में उसको बांट सकते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा हम तीन भाग में इन स्वतंत्रता के संघर्ष को बांटते हैं। पहला चरण था 1885 से लेके 1905 का, ठीक है, जिसको कि ये नरम काल है ना, या मॉडरेट पीरियड कहा जाता है, जिसमें सिर्फ जी हुजूरी करके काम चलता था। दूसरा पीरियड था 1905 से लेके 1920 के आसपास का, जो गांधी जी धीरे धीरे एक्टिव हो रहे थे, उग्रवादी काल, मतलब इसमें एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराएं पनपने लगी थी और ये सोचा जाने लग गया था कि भाई सिर्फ हाथ पांव जोड़ने से अब शासन नहीं मिलने वाला है या अंग्रेज हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। और तीसरा पीरियड था गांधीयन एरा, गांधी युग, गांधी एरा। इन तीन पीरियड में हमारा जो देश था, इसके बाद अगर देखा जाए तो नेहरू काल था। कौन सा था? नेहरू काल, 1947 से 64 तक, ठीक है। ये हम देख सकते हैं, ये तो हमारा अलग आ गया। ये तीन हमारे आजादी की लड़ाई के पीरियड थे। इसमें से आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें डिस्कशन ही ज्यादा है, इसकी थीम आपको समझनी है। क्वेश्चन जो आएंगे मैं बोलूंगा और आप लोग जरूर इसका नोट डाउन प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो पीरियड था 1885 को कांग्रेस का स्थापना वर्ष माना जाता है, अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, जब वो वायसराय थे। और इन दोनों, देखिए एओ ह्यूम का नेचर भारत में प्रति अच्छा था, नो डाउट, और उनके मन में कोई ऐसी कोई भावना के साथ नहीं किया था कि भारतीयों को नुकसान हो। उन्होंने इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, वो खुद एक आयरिश थे एओ ह्यूम, और इसलिए उन्होंने आयरिश में शुरू से रेवोल्यूशनरी रहे हैं और ब्रिटेन में भी आयरिश विरोध कंटिन्यू लगातार रहता है। इस वजह से उन्होंने भारतीयों के लिए भी सोचा कि भाई एक एटलीस्ट ना उनके पास मंच होना चाहिए अपनी बातों को कहने का। इस नियत के साथ कांग्रेस की स्थापना की गई लॉर्ड डफरिन के काल में। लॉर्ड डफरिन चिढ़ता था कांग्रेस से, लॉर्ड डफरिन चाहता था कि कांग्रेस जिस लेवल से शुरू हुई है उसी लेवल तक रहे, ग्रो ना कर पाए। अंदर अंदर वो यही चाहता था, वो चाहता था कि कांग्रेस सिर्फ उनका माउथपीस बन जाए, उनका गुणगान करे, दैट्स ऑल। और इसका नतीजा यही था कि जब दो तीन साल बाद कांग्रेस थोड़ा सा डेवलप होने लगी तो उसे चिड़ होने लगी, ठीक है। अब देखते हैं, तो इस काल को बोला गया 1905 तक के काल को बोला गया नरम काल या मॉडरेट या नरमपंथी। इस काल में जितने लीडर हुए, चाहे वो फिरोज शाह मेहता हों, चाहे दादा भाई नौरोजी हों, बदरुद्दीन तैयब जी हों, विंशा जी हों, या और भी फिरोज शाह मेहता हों, ये कुछ इस काल के नेता थे। और जिनका एम, इनका जो ये कांग्रेस में इनका प्रभुत्व था और इनका एम होता था कि अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाना, ठीक। एक बात, क्या लक्ष्य था इसमें कांग्रेस का? अनुनय विनय, मतलब सिर्फ रिक्वेस्ट करके अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचाना और उनसे ये उम्मीद करना कि हमारी बात मानेंगे। देखिए, इस समय के जो लोगों की फिलॉसफी थी, इस समय के जो नेताओं की फिलॉसफी थी, वो अंग्रेजों के शासन को गलत नहीं मानते थे, पहली बात।
वो ये मानते थे कि अंग्रेज हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, वो बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो अंत में वो हमारे साथ भी न्याय करेंगे, ये बात मानते थे। ठीक है, उसके बाद उनको लगता था कि अंग्रेज इतनी बड़ी सत्ता है और अगर वो भारत से चले गए अचानक से, या चले भी गए तो भारत में तो फिर क्योस हो जाएगा, भारत में फिर हलचल मच जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता आ जाएगी और इतने विशाल भारत को कोई संभालने के लायक नहीं है। ये डर इनके अंदर बना हुआ था जिसके कारण ये चाहते थे कि ब्रिटिश का, अंग्रेजों का यहाँ पे शासन बना रहे। जिसका उदाहरण आपको देखने को मिलता है कि बदरुद्दीन तैयब जी ने जब बोला था, जो कि अध्यक्ष भी रह चुके कांग्रेस के, तीसरे वाले सेशन में अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला था भाई कि महारानी विक्टोरिया के जो को इंग्लैंड में रहने वाले इतने राजभक्त नहीं मिलेंगे जितने भारत में रहने वाले शिक्षित लोग हैं। मतलब वो दिखाना चाहते थे कि भारतीय जो शिक्षित वर्ग है, एक एलीट क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, ये बहुत ज्यादा राजभक्त है आपका और आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बस आप हमारी थोड़ी थोड़ी बातें मान लीजिए। तो कांग्रेस एक प्रकार से माउथपीस की तरह काम करने की कोशिश कर रही थी उस समय तक। चाहे बद्रुद्दीन, चाहे दादा भाई नौरोजी हूं, इनका भी मानना था कि अंग्रेज कभी गलत नहीं कर सकते, अंग्रेज कभी गलत नहीं कर सकते हैं, उनको भी गलत करते नहीं है, बसरते उन और जो दुख है, जो जनता की समस्याएं हैं, वो एक्चुअली वहां तक पहुंच नहीं रही हैं, उनका मानना यह था। 1886 के कांग्रेस के अध्यक्ष जिसमें वो अध्यक्ष थे, उसमें महारानी विक्टोरिया के जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उनके दीर्घायु के नारे लगाए गए, इससे आप समझ सकते हैं ये एओ ह्यूम के कहने पे हुआ था। तो मैं आपकी मनोस्थिति बता रहा हूँ उस समय के नेताओं की, मनोस्थिति क्या थी, और इस मनोस्थिति को बोला गया राजनीतिक भिक्षावृत्ति। क्या बोला गया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था इस पीरियड को, कि राजनीतिक रूप से भीख मांगने वाला काम है, पॉलिटिकल मैंडिसेंसी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये इस पीरियड में थी, क्या क्या इस पीरियड में, ऐसा नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल काम ही नहीं किए। इस पीरियड के इंपॉर्टेंट नेता कौन कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, ये लोग बेसिकली मॉडरेट्स माने जाते थे। अब इन लोगों ने काम क्या क्या किए? इन लोगों का मेन काम था कि अगर देखा जाए कि नीचे तबके की बात को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश, और उनके लिए निचला तबका पीजेंट्स वर्ग नहीं था, उनके लिए निचला तबका था मिडिल क्लास, सिर्फ मिडिल क्लास। उस समय कांग्रेस में बेसिकली पेशेवर लोग ज्यादा थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, ये लोग ज्यादा थे, अधिकारी ज्यादा थे, जो सरकारी नौकरी में थे वो लोग ज्यादा थे। तो उनकी जो मांगी थी वो भी उन्हीं से जुड़ी हुई थी। जैसे इन लोगों ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में कराने पर जोर दिया, भारत में सिविल सर्विसेज व्यवस्था शुरू करने के लिए जोर दिया, और सिविल सर्विसेज की एज को इंक्रीज करने के लिए जोर दिया। तो इनकी मांगे भी इनके सुटेबल भी थी, इन्होंने ऐसा कोई जोर नहीं दिया कि किसानों के लिए भूमिकर व्यवस्था में कुछ सुधार हो जाए, या फेमाइन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन हो, फेमाइन जब पड़े, अकाल जब पड़ जाए उसमें कुछ काम हो जाए, इसके लिए गए। इसके लिए तो जेल गए बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, तो ये सब चीजें थी, ये प्रक्रियाएं थी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उनका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं 10 मिनट का। तो बाल गंगाधर तिलक का पीरियड यही था, लेकिन वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे, इसलिए मैं इनको यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बाल गंगाधर तिलक आएंगे तो चीजें बदलेंगी। बाल गंगाधर तिलक का पूरा अलग से करूंगा कि कैसे 1906 के बाद 6 वाले आंदोलन में महाराष्ट्र में आंदोलन फैलाया, स्वदेशी आंदोलन, वो बात की बात है। अब देखिए, ये पीरियड चलता रहा। अब अगला मुद्दा आता है कि ब्रिटिशर्स क्या समझते थे कांग्रेस को? ब्रिटिशर्स कांग्रेस को ना इडियट समझते थे, सीधी सीधी बात है। मतलब कि वो उनके पास न्यूट्रलाइजर है, बहुत अट्रैक्ट नहीं हुआ। मतलब कांग्रेस इतनी ज्यादा इनके तरफ झुकी हुई थी, उसके बावजूद वो उसके इतना तवज्जो नहीं देते थे। इससे पता लगता कि देखिए, 1886 के अधिवेशन में जब बफरिन ने कलकत्ता के अधिवेशन के बाद भोज दिया लोगों को, तो उसने ये बताया कि मैंने कांग्रेस को भोज नहीं दिया, ये तो मैंने दर्शकों को, जो दर्शक आए थे कांग्रेस में उनको भोज दिया है। या 1887 में जो कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन जो हुआ, उसमें तो बैठने के लिए विशेष व्यवस्थाएं रखनी थी सरकार ने। तो मतलब धीरे धीरे 1887 के बाद कांग्रेस को और दुदकारने वाला काम जो है शुरू हो गया। अब 1895 आते आते हैं, मतलब भारतीयों को ये थोड़ा थोड़ा समझ पाने लगा कि हमें जो महत्व मिलना चाहिए और हम अंग्रेजों के लिए इतना करते हैं, अपने समुदाय से भी कभी कभी कट के हमें अलग बोलना पड़ता है, इसके बावजूद हमें वो सम्मान नहीं मिलता है। ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं को कोई ना कोई उपाधि मिली थी, हम इस मतलब बस इन लाभों में ही अपना जीवन काट रहे थे। अब ये प्रक्रिया चल रही थी, जब प्रक्रिया चल रही थी कब तक चली? 1905 से लगातार चल रही थी, जब 1905 में समस्या आ गई। 1905 में क्या समस्या आ गई? एक लॉर्ड आया था हमारा, लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 में आए थे, 1899 से 1905 तक बहुत ही अलोकप्रिय, बहुत ही दुष्ट। उनका लॉर्ड कर्जन के बारे में बताऊंगा, बहुत ही अलोकप्रिय, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति,
और जो कि जाते जाते उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल जो प्रांत था उस समय ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जो कि वर्तमान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश के आसपास का पूरा क्षेत्र था। तो इसे वहां पे हिंदू मुस्लिम की आबादी काफी ज्यादा थी। जो पूर्वी बंगाल था वहां मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा थी, जो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था वहां हिंदुओं की कम्युनिटी बहुत अच्छी थी। तो इसने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए प्रशासनिक कमी समस्याओं का बहाना देके बंगाल के हिस्से कर दिए, दो भाग कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, जिसको बोला के बंगाल विभाजन। इस घटना ने एकदम से चेंज कर दिया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जनता हो, कांग्रेस को सोचने में मजबूर होना पड़ गया कि हमारी जो पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के कारण हम अंग्रेजों के साथ खड़े रहते थे, वो हमें बदलनी पड़ेगी, है ना। और इसी की वजह से 1906 के अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया। कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन को अपनाया, बोला कि नहीं, इसका हम विरोध करेंगे, स्वदेशी आंदोलन का सहयोग करेंगे और अंग्रेजों की इस एक्टिविटी का विरोध करेंगे। और हिंदू मुस्लिम एकता पे जो चोट पहुंचाई थी 1905 के विभाजन ने, उसने ही भारत में उग्रवाद को जन्म दे दिया। किसको जन्म दिया? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को, उग्रवाद को जन्म तो दिया, तो पहले से था, लेकिन अब इनको ताकत मिल गई, अब बोलने का मौका मिल गया। और इसकी वजह से ही उसका नतीजा आपको 2 साल बाद देखने को मिलता है कि सूरत के अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस के 2 धड़े हो गए। कांग्रेस में जो गर्म विचारधारा के लोग थे उनसे अलग हो गए कि भाई अब आपसे नहीं पार लगेगी, है ना। और इसी के साथ जो उग्रवादी घटनाएं थी वो भी बढ़ गई। तो हम दूसरे फेज में बढ़ेंगे, हम पहले फेज तक इसमें सीमित रहते हैं। तो पहले फेज में क्या क्या चीजें हुई? पहले फेज में राजनीतिक भिक्षा व्यक्ति का काल था, जिसमें किसी अनुनय विनय करके चीजों को ठीक किया जाता था या कांग्रेस के रिक्वेस्ट किया जाती थी। कांग्रेस एक प्रकार से सेफ्टी वॉल थ्योरी के रूप में अंग्रेजों के द्वारा चलाई जा रही थी, जिसमें कि अंग्रेजों ने इनको सिर्फ एक भड़ास निकालने के लिए मंच मात्र समझ रखा था। और इनकी जो मांगे थी वो भी सिर्फ मिडिल क्लास से जुड़ी थी, निचले स्तर तक नहीं जुड़ी थी। कुछ एक लोगों ने कोशिश की, जैसे दादा भाई नौरोजी ने बाद में इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ जो किताब लिखी, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब इस एक अर्थशास्त्र की किताब थी, जिसमें कि उन्होंने सीधे सीधे बताया कि किस प्रकार से ब्रिटेन ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहा दिया है, ड्रेन कर दिया है। इससे इस किताब में काफी क्रिटिसाइज किया गया था ब्रिटिश पॉलिसीज को, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को, जिससे कि कुछ पता लगता कि हाँ भाई चलो कोई गवर्नमेंट अगेंस्ट किया। फिर बाद में फिरोज शाह मेहता भी कहते थे कि भाई हम जानते कि हमने क्या किया है, और लेकिन हम आगे की पीढ़ी से कामना करते हैं कि हमको हमारे कामों को नए स्वरूप में आगे तक पहुंचाए और इस आंदोलन को, इस स्वरूप को इस एक आंदोलन के रूप में बदले। तो कुछ एक लोगों को अगर छोड़ दें तो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी होने की ताकत नहीं थी। जैसे दादा भाई नौरोजी ने एक बार कोशिश की थी कि 1892 में कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में कराया जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इसी प्रकार इंडिया नाम की पत्रिका निकालेगी लंदन में से दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये कुछ छोटे मोटे एकाक अगर हम इंसिडेंस देख लें जिसमें कांग्रेस को ग्रो करने का कोशिश किया गया, तो इसके अलावा इन 20 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। इन 20 वर्षों में कांग्रेस भले मजबूत हुई हो, लेकिन स्वाधीनता का जो आंदोलन था वो कहीं नहीं था। कांग्रेस धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, नो डाउट, एक धीरे धीरे तबका जुड़ा जा रहा था, लेकिन अभी भी निचले तबके तक लोगों की पकड़ नहीं बन पा रही थी। और वो लोग जो निचले तबके में अपनी पकड़ बनाए हुए थे, वो कांग्रेस में सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में उस बुर्जुआ वर्ग का शासन था, जिस जो कि जड़े जमा के बैठा था अंग्रेजों के साथ और अंग्रेजों का सौम्य भाग था। 1905 के बाद चीजें कैसे बदलती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ स्वाधीनता संघर्ष का पहला चरण शुरू हुआ, और आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो मैंने चीजें बोली हैं उसको नोट्स में बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।